जो एक शुद्ध विकार वर्जित अचल परम पदार्थ है, जो एक ज्ञायक भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ है, जिसके दर्श वा जानने का नाम दर्शन ज्ञान है, ओ नमन उस परमार्थ को जिसमें चरण ही निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर अभी बन गए परमात्मा पर आय में भी वे सभी साध्य हैं आराध्य हैं आराधना के सार भव चक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती जालमय एकांत को जो रही सदा नकारती कर भविक जिसकी उतारे आरती न नय चक्र के संचार में जो तुर है प्रतिबोध है, चक्र के संगार में जो प्रति समय सन्नद्ध है, आत्मा की साधना में निरत तन मन नगन है, जिनके चरण जिनके चरण उनको नमन है, कर नमन निज भाव को जिन जिन गुरु जिन वचन को, निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहूं, विज्ञ जन रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन, ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन। परम भाव प्रकाशक नए चक्र के आधार से जो सर्वाधिक प्रचलित नए हैं, जिनके बारे में आगम में भी चर्चा आती है और अध्यात्म ग्रंथ समय सार जैसे ग्रंथों में भी चर्चा आती है, ऐसे निश्चय और व्यवहार के बारे में अपन ने चर्चा करने का मन बनाया है। सबसे पहले निश्चय और व्यवहार क्या चीज हैं, इसकी चर्चा दो दिनों से अपन कर रहे हैं। परसों अपन ने केवल इस बात की चर्चा की थी कि नए क्या है। आप में से जो होंगे जिन्होंने ध्यान दिया होगा, किसी ने नोट भी किया हो, अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तुवंश ग्राही ज्ञातुर अभिप्रायो नया, यहाँ कोई निश्चय व्यवहार की बात नहीं है। ये परिभाषा प्रत्येक नए पर लागू पड़ती है, चाहे वो कोई भी नए हो। वस्तु के एक अंश को मुख करके ग्रहण करना, शेष अंश अपने आप गौण हो जाते हैं, ऐसा जो ज्ञाता का अभिप्राय है उसका नाम नए है। इसकी चर्चा अपन ने बहुत विस्तार से परसों की, कल अपन ने निश्चय ने और व्यवहार ने संबंधी चर्चा की है, जिसमें स्वास्थ्य तो निश्चय परास्थ तो व्यवहार,
प्रत्येक वस्तु का जैसा उसका स्वरूप है वैसा कथन करना वो निश्चय नहीं है, और अन्य से अन्य की पहचान कराना ये शैली व्यवहार नहीं की कहलाती। मेरे पास इसमें जो नए चक्र है, मेरे इसमें सॉफ्ट कॉपी में, वो पुरानी प्रति का है। शायद आपको ढूंढना में थोड़ा दिक्कत होगी, आप मेल तो बिठा लेंगे। एक बहुत सुंदर तुलना इसमें की है, आप देखिए कहाँ ये बात जहाँ वो आती ना, उक्त समस्त परिभाषाओं पर ध्यान देने पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। बोलो कौन सा पेज, 23, 24, 25 होगा। पुरानी प्रति जो मेरे पास है उसमें 41 पेज है। मिला, उक्त सभी परिभाषाओं पर ध्यान देने पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं, 26 पेज हैं। हाँ, कोशिश कर रहे हैं कि और भी प्रतियां थोड़ी और उपलब्ध हो जाएं, पता नहीं क्यों इस बार ये देखो कितने इसमें निष्कर्ष निकाले हैं, 7। निश्चय नय का विषय अभेद है और व्यवहार नय का भेद, यानी वस्तु में भेद नहीं करे। एक ज्ञायक मात्र है या चैतन्य मात्र है। अरे अपन लौकिक में भी, हम भारत में रहते हैं, वो एक है ना नारा, कौन सा, हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। हम भारतवासी, इसके लिए मैं एक वो गीत का उदाहरण देता हूँ, बहुत प्रचलित गीत है देशभक्ति वाला, ए मेरे वतन के लोगो है। उसमें एक छंद आता है, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। बोलो इसमें भेद और अभेद का कितना सुंदर प्रयोग है। पहले भेद को मुख किया। अभी कुछ दिनों पहले हमारे देश के एक नेता ने, जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री बन गए, उन्होंने कहा कि सीमा पर तमिलनाडु के सैनिक मरते हैं, फलानी जगह के मरते हैं, असम के मरते हैं, और एक प्रांत का नाम लेकर कह दिया वहां का कोई नहीं मरता। इतना जबरदस्त भेद। फिर उन्हें माफी मांगनी पड़ी ट्विटर पे, उन्हें ट्विटर पे ट्वीट करके माफी मांगनी पड़ी है कि मेरा ऐसा वैसा अभिप्राय नहीं था। अरे इतना बड़ा देश है, इसमें 30 प्रांत हैं, तो कहीं से कोई तो आएगा ही आएगा। सीमा पर तो सारे देश के लोग रहते हैं, लेकिन जिसकी भी जो भी शहीद होता है वो भारतीय होता है। तब अपन ने यहाँ प्रांत को गौण कर दिया और राष्ट्र को मुख कर दिया। इसी तरह वस्तु को समझने में पहले दर्शन ज्ञान चारित्र अथवा बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा अथवा गुण स्थान मार्गणा स्थान ऐसे भेदों से समझते हैं, लेकिन जब जो फीलिंग अनुभूति होती है तो एक चैतन्य मात्र की होती है, उसमें बात सारे भेद गौण हो जाते हैं। तो ये एक सद्भूत व्यवहार का प्रयोग है, कौन सा, कि अभेद सो निश्चय, अभेद को जानना वो निश्चय और भेद को जानना व्यवहार। फिर दूसरा क्या है, निश्चय ने सच्चा निरूपण करता है और व्यवहार ने उपचरित कथन करता है। सच्चा व्यवहार उपचरित करता माने झूठा करता है, ऐसा नहीं है। झूठ में और उपचार में फर्क होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे खनिया धाना में 1 इंच जमीन भी मेरी नहीं है, फिर भी मुझे जो कमरा दिया गया है 18 दिन के लिए, तो उसका व्यवहार से मैं ऐसा बोलूँगी, साहब आप जरा मेरे कमरे में आना, मुझे आपसे बात करनी, तो बताओ मुझे झूठ बोलने का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा। झूठ तो है ही कि जब तुम्हारा कुछ भी नहीं है, व्यवहार से भी नहीं है, तुम्हारा यहाँ न मकान है न जमीन है न जायदाद है न रिश्ता है न कुछ है,
फिर भी कह रहे कि पंच कल्याणक जब यहाँ हुआ था उसके बाद में अभी आना हुआ, फिर भी कह रहे कि मेरे कमरे में आना, तो ये झूठ नहीं है तो क्या है? लेकिन इस झूठ में और उस झूठ में कौन से, जिससे हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह झूठ नाम का पाप का बंद होता होवे, उसमें बहुत फर्क है। ये एक उपचरित कथन है जो यथार्थ नहीं होते हुए भी प्रयोजन वश कहा जाता है। इसमें प्रयोजन है, और मजे की बात यह है कि बोलने वाला भी उस प्रयोजन को समझता है और सुनने वाला भी उस प्रयोजन को समझता है। आप भी जानते हो कि यहाँ हमारी एक इंच भी जमीन नहीं है, लेकिन ये ठहरे हैं वहाँ तो ऐसा कहते हैं, इसमें तो कहने का व्यवहार है। तो ये उपचरित कथन का ये मतलब है, सच और झूठ के बीच में भी प्रयोजन वश किए गए कथनों को उपचरित कथन कहते हैं। अब देखिए, आत्मा मनुष्य है तो अपन मनुष्य पर्याय तो सत्य है, मनुष्य पर्याय उपचरित नहीं है, ध्यान देना। वो तो वास्तव में है, मनुष्य गति नाम कर्म के उदय है, मनुष्य शरीर की रचना है, लेकिन आत्मा जो चैतन्य लक्षण वाला है उसको गौण करके उसे मनुष्य कहना, तो ये वैसे ही उपचार है जैसे कि मेरे कमरे में आने वाली बात है। अपने बगल में कोई मान लो मुस्लिम समाज का भी व्यक्ति आ जाए, रहता हो वे पहले ही से बचपन से ही, मना तो नहीं कर सकते ना कि तुम यहाँ नहीं रह सकते हो। तो शिष्टाचार के, वो भी सज्जन आदमी है, शिष्टाचार के नाते अपन बच्चे उसे चाचा कहते हैं, बोलो आप। तो ये झूठ है कि उपचरित है? हाँ, तो चाचा है नहीं तो अभी प्रयोजन वश कहना, आदर से कहना, शिष्टाचार से कहना, ये उपचरित है। इस रहस्य को समझ जाए तो बहुत सी गुत्थियाँ सुलझ जाती हैं। भैया मैम, ये मनुष्य है, ये बालक है, ये वृद्ध है, जितने भी ऐसे कथन आते हैं, फिर बाद में मैं भोजन करता हूँ, फिर मैं भोजन त्याग करता हूँ, ये भी उसी टाइप के उपचरित कथन है जैसे कि पड़ोसी मुस्लिम को चाचा कहना। इतना बड़ा शुद्ध उपचार कह सकते अपने से, प्योर है। कोई शंका हो तो पूछना भी, आप चिट्ठी दे देना, ऐसे संकोच नहीं करना, ये तो प्रौढ़ कक्षा कहलाती है। बच्चों की होती तो खड़े करके भी पूछ लेते हैं, आप भी पूछ सकते हो हमसे। निश्चय ने सत्यार्थ है और व्यवहार ने असत्यार्थ है। ये सत्यार्थ और असत्यार्थ क्या होता है? वही निश्चय ने यानी जो कथन करता है वो त्रैकालिक सत्य है, और उस त्रैकालिक सत्य की दृष्टि से देखें, उसे मुख्य करें, तो व्यवहार ने वाले जो क्षणिक सत्य हैं वो असत्य जैसे ही हैं, आज हैं कल नहीं है। घड़ा मिट्टी का है ये तो परमानेंट बात है, ये कभी चेंज होने वाली नहीं है। लेकिन आज हमने उसने समझ लो पानी भर दिया तो पानी का घड़ा हो गया, कल घी डाल दिया तो घी का घड़ा हो गया, हैं? अरे यहाँ तक कि जिस जो उसका यूज करने वाले हैं उनके नाम पे भी हो जाता है। अम्मा जी ने समझ लो उबाल करके बिल्कुल बढ़िया 24 घंटे की मर्यादा वाला पानी भर के किसी बर्तन में रखा है, तो अपन कहेंगे जी अम्मा जी का पानी, वो पंडित जी की चटनी वाला, हाँ। तो बोलो आप, ये असत्यार्थ है नहीं तो भी प्रयोजन वश कहा जाता है। ये क्षणिक सत्य है, प्रयोजन वश सत्य है। इसकी चर्चा तो कल अपन ने की थी चौथे नंबर की। निश्चय ने आत्माश्रित कथन करता है और व्यवहार ने पराश्रित कथन करता है। मैंने इसमें जो फिर मुझे खोलना पड़ेगा, वो आत्माश्रित और पराश्रित के बहुत प्रयोग नए रहस्य में लिखे हैं, कभी मौका लगे तो कल परसों में बताऊंगा। कल इसकी चर्चा अपन ने की थी। आत्माश्रित माने वो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य वाले आत्मा की बात नहीं है। आत्मा मतलब क्या होता है? मैं। और स्व का सुबह की क्लास में बताया था हमने बच्चों को वहां कि जीव और आत्मा
एक ही है कि अलग अलग है? अरे जीव तो अनंत हैं, जे त्रिभुवन में जीव अनंत। लेकिन ध्यान रहे, आत्मा के लिए जब बात आती है तो अहम एको खलु शुद्धो, मैं एक हूं। थोड़ा व्याकरण के हिसाब से देखें अपन तो जीव संज्ञा है। संज्ञा जानते ना, किसी का भी नाम ले धर दो पंखा, एक पदार्थ का नाम है तो संज्ञा हो गई। पुस्तक संज्ञा, रोटी पानी खनिया धाना, ये स्थानवाची संज्ञा। राग द्वेष ये भाववाची संज्ञा। जीव ये जातिवाची संज्ञा। जैसे पशु ये जातिवाचक संज्ञा है कि नहीं? मनुष्य भी जातिवाचक संज्ञा। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये क्या है? सब संज्ञा है। किसी के भी नाम को संज्ञा, किसी स्थान हो, वस्तु हो, भाव हो, उसका नामकरण करना उसको ही तो संज्ञा कहते हैं ना। तो जिसमें चेतना है, ज्ञान दर्शन है, वो ऐसे पदार्थ को जीवत्व शक्ति के कारण जीव कहना, ये क्या हुआ? ये संज्ञा हुई। आत्मा अपने जीव चैतन्य स्वभाव के लिए जीव शब्द से कहना तो ये संज्ञा हुई। और आत्मा माने होता है मैं। संस्कृत में आत्मा शब्द का अर्थ क्या होता है? आत्मन, मैं। तो मैं सर्वनाम है। देखो अभय कुमार और मैं, इन दो में जो अंतर है वही जीव में और आत्मा में अंतर है। आया समझ में? थोड़ा बहुत। अभय कुमार एक व्यक्ति का नाम है और मैं सर्वनाम है, वो किसी एक का नाम नहीं है। कितने जितने आदमी हैं उतने मैं हैं, हर एक के लिए वो स्वयं के लिए मैं है। तो इस तरह पदार्थ को उसके स्वरूप से कथन करना। कल अपन ने शरीर पे भी लगाया था, शरीर जड़ है, असुचि है, माटी का पुतला है, आत्मा से भिन्न है। ये सब शरीर का स्वाश्रित अथवा आत्माश्रित कथन हुआ तो ये निश्चय नहीं हो गया। अपन समझते हैं निश्चय नहीं अकेले आत्मा में ही लगता है, शरीर में तो व्यवहार नहीं लगे, ऐसे नहीं। शरीर के निश्चय व्यवहार अलग हैं और आत्मा के निश्चय व्यवहार अलग हैं। आत्मा का यथार्थ निरूपण करो, जीव का उपयोग लक्षण वाला, चैतन्य लक्षण वाला, तो ये यथार्थ क्यों है? ये यथार्थ या सत्यार्थ क्यों कहलाता है? क्योंकि ये कभी नहीं बदलता। ये त्रिकालिक है, ये वास्तविक है। चेतना कोई उपचार से नहीं कही जाती, वास्तविक है। समझ में आया? लेकिन मनुष्य है ये तो 50-60-70 वर्ष का सत्य है, उसके बाद में तो सब अवस्था बदल जाएगी। जैसे श्रेणी का राजा, नाम भले अभी तक श्रेणी का राजा चल रहा है, लेकिन इस समय है क्या वो जीव? कौन सी अवस्था में? नारकी अवस्था में। अभी नारकी है, फिर अगले भाव में 84,000 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? फिर महापद्म नाम से जन्म लेके, और जब तीर्थंकर प्रकृति का उदय आएगा तो तीर्थंकर हो जाएगा। तो कहने का आशय है जो बदलने वाला सत्य है, संयोगी सत्य है, संयोग की तरफ से कहा गया, कही गई बात है। जैसे किसी को धनवान कहना, ये भी तो उपचरित है। मनुष्य जन्म से तो धनवान होता नहीं है। अरे भले बाप का धन हो गए लेकिन उसका तो नहीं है ना, है? जो भी हो, धन के संयोग से धनी कहा जाता है, लेकिन वो उपचरित ही हुआ। धन नहीं हो तो फिर धनवान पना गया। समझ में आया? मंत्री बोलो, ये क्षणिक सत्य है कि त्रिकाली सत्य है? क्षणिक सत्य है। तो इस तरह पराश्रित निरूपण है। पर से पहचान करना, भिन्न वस्तु से पहचान करना, इसको कहते पराश्रित। इसी तरह निश्चय नए असंयोगी कथन करता है और व्यवहार नए संयोगी कथन करता है। ये वही धन से धनी कहने जैसा। अब देखिए, निश्चय ने जिस द्रव्य का जो भाव या परिणति हो उसे उसी द्रव्य की कहता है। ये जरा विशेष समझने लायक।
पर व्यवहार नए निमित्त आदि की अपेक्षा लेकर अन्य द्रव्य के भाव या परिणति को अन्य द्रव्य तक की कह देता है। शरीर की क्रियाओं को शरीर की कहना। अच्छा, उपवास करना किसकी किसकी परिणति है? आत्मा की कि शरीर की? ये तो शरीर भोजन किया या भोजन नहीं किया, तो भोजन करना वो भी शरीर की परिणति है और नहीं करना वो भी शरीर की परिणति है। तो उसको शरीर की क्रिया कहना जड़ की, लोगों को ऐसा लगता है अपनी ये व्रतशील संयम है, जड़ की क्रिया है, ऐसा कहते हैं, तो मतलब इनके प्रति खूब तुच्छ भाव रखते हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं व्रतशील संयम का, है ऐसा लोगों को महसूस होता है। ऐसा है नहीं, इसमें बेइज्जती और इज्जत की क्या बात है? जिसकी क्रिया है उसकी कह दी, पूजा करी भगवान की, बलिया समझ लो, धोती दुपट्टा पहन के सवेरे से अभिषेक किया, पूजा करी, तो वो जो क्रिया है वो किसका परिणमन है? मुख से जो पाठ किया, जो बोला, वो किसका परिणमन है? जीव का के शरीर का? शरीर का परिणमन। तो ये पूजा पाठ को शरीर की क्रिया कहना ये निश्चय नहीं का कथन है, लेकिन इसमें जीव का भाव भी निमित्त होता है, प्रायः निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो जीव के भावों का ज्ञान कराने के लिए फिर वही उपचार से, कौन सा उपचार? पड़ोसी मुसलमान को चाचा कहने वाला, तो उपचार से जीव की क्रिया। हम सवेरे यहाँ 6 बजे आ जाते हैं, जल भरते हैं, सामग्री धोते हैं, फिर अभिषेक करते हैं, ये पूजा करते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो हम करते माने जीव करता है, तो ये सत्य है कि झूठ है? वो तीसरा ले ना, तीसरा क्या है? उपचरित कथन है, लेकिन उसे ऐसा कहना कि मेरी क्रिया मैंने की, तो अपने को पर का कर्ता कहना, ये क्या हुआ? ये व्यवहार ने का कथन हुआ। ज्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा समझने की बात है। तो व्यवहार ने निमित्त आदि की अपेक्षा लेकर, या है ना निमित्त आदि की अपेक्षा, ऐसे ही इसमें कर्म में है, है? हमने भैया पूर्व में जो कर्म बांधे हैं, फिर वे उदय में आते हैं तो उनका फल अपने को भोगना पड़ता है। अरे जीव अपने राग द्वेष को भोगता है कि जड़ कर्मों को भोगता है? बोलो वास्तव में किसको? पारसनाथ को, जब वो मुनि अवस्था में थे, अपन कहेंगे एक अपेक्षा से देखें तो असाता का उदय आया, कमठ ने उपसर्ग किया तो असाता का उदय आया, तो पारसनाथ किसके किसको भोग रहे थे? कर्म के उदय को भोग रहे थे या आत्मा के आनंद को भोग रहे थे? हैं, तो जड़ कर्म का उदय जो है, जड़ कर्म का स्वाद हम लेते हैं, ये उपचरित कथन है। अगर ले रहे हैं अपने में राग द्वेष करें तो कहां जाएगा कि भाई कर्म के उदय से जीव दुखी हुआ, और नहीं करें और आत्मा में ही लीन रहे तो फिर कर्म कर्म में रहे, अपन स्वतंत्र हो गए, है कितनी बढ़िया बात है। हम आप लोगों ने कभी पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में इस बात पर ध्यान दिया होगा, दाल भात साग रोटला, आत्मा इनका स्वाद लेता नहीं है, हैं? आत्मा तो उस काल में जो राग उत्पन्न होता है, अच्छा लगा, मजा आया, बहुत बढ़िया, ऐसी जो राग की लहर उठती है, जैसे वो संजय भैया आग बता रहे थे, उसका स्वाद लेता है। एक सा पदार्थ हो गए, एक सा पदार्थ, देखो एक दो बच्चे बैठे हैं, एक ने अभी थोड़ी देर पहले ही नाश्ता किया है, फिर भी उसे जल्दी जल्दी भोजन कर लो, अपने को चलना है, फिर स्कूल जाना है, फिर फलानी जाना है, तो उसको भी बिठा लिया जल्दी, आधा घंटे पहले ही बेचारे ने नाश्ता किया, और एक ने सुबह से नाश्ता वास्ता कुछ नहीं किया, अच्छी बढ़िया भूख लगी। अब दोनों के सामने एक सा भोजन आया है, लड्डू आए दोनों की थाली में, बोलो एक सा स्वाद आएगा दोनों को? पदार्थ तो एक सरी का है, स्वाद भिन्न भिन्न, हमें नहीं खाना अभी, हमें इच्छा नहीं है बिल्कुल भी, हम अब तुम कह रहे हो तो थोड़ा बहुत खा ले तेल, उसको मजा ही नहीं आएगा, भले उसकी पसंद का कितना भी पसंद का आइटम हुए तो भी उसको आनंद नहीं आएगा।
और जिसे अच्छी तगड़ी भूख लगी हो वह उसे लड्डू नहीं मिले, साधारण सिंपल दाल भात साग रोटी मिले तो ये आनंद आएगा। ये मजदूर लोग जो हैं खूब मेहनत करते हैं और बिल्कुल रूखी सूखी रोटी और प्याज के साथ में के मिर्ची के साथ में के इसके साथ में खाते हैं और छप्पन भोग जैसा आनंद लेते उसमें भी, समझ में आया ना। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, ये उदाहरण काय के लिए दे रहे, इस बात के लिए दे रहे कि जड़ पदार्थों का स्वाद जीव नाम का पदार्थ जो मैं हूं वो जड़ का स्वाद नहीं लेता, अपने में जैसे भाव होते हैं उनका स्वाद लेता है। तो ये किस द्रव्य की पर्याय है उसको किसकी कहा गया है, मनुष्य पर्याय वो शरीर की अवस्था है, वो जड़ पुद्गल की अवस्था है, तो भी जीव की मनुष्य पर्याय ऐसा बोलते हैं तो ये सब क्या कहलाता है। ये व्यवहार न्याय की शैली है, व्यवहार न्याय का कथन है। अभी इसमें वो आएगा, मैं उसको देखूंगा, जो टोडरमल जी के जो कथन है ना उसमें आएगा। फिर बाद में इसमें एक बहुत सुंदर तुलना की है, देखो समय सार की 27वीं गाथा इसी पेज पे है ना, नीचे के नेक्स्ट पेज पे गई, इसी पे है ना। व्यवहार नवो भासदि जीवो देहो या हवदि खलु एको, णदुणच्छयस्य जीवो देहोय कदावि एकट्ठो। इसका इसका पूरा संदर्भ सुनो, बड़ी मजे की बात है ये। आपको एक बात जान के और आश्चर्य होगा कि जो सद्भूत व्यवहार है और उसका निषेध करने वाला निश्चय, उसकी चर्चा तो 7वीं गाथा में आ गई, और स्थूल व्यवहार जो उपचरित व्यवहार है और उसका निषेध करने वाला निश्चय वो पहुंच गया 27वीं गाथा में। नियम कायदा तो ये है भाई, पहले स्थूल बात करना चाहिए, वो बच्चों को सिखाते हैं उदाहरण से सिद्धांत की ओर, प्रशिक्षण कक्षा में सिखाते हैं उदाहरण से सिद्धांत की ओर, स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर। पर पता नहीं उस समय सार में आचार्य देव ने जो उदाहरण और सिद्धांत विद्धांत का नियम कुछ भी पालन नहीं किया, भैया वो बच्चों की क्लास लगाने नहीं बैठे उन्हें तो जो एकत्व विभक्त आत्मा अनादि काल से जीव ने कभी सुना नहीं, परिचय किया नहीं, अनुभव किया नहीं है कि नहीं। चौथी गाथा में कहते हैं कि काम भोग बंध की कथा अनादि से सुनी है, परिचय किया है, अनुभव किया है और संसार में घूम रहे उसके कारण। लेकिन जो संसार भ्रमण का नाश करके सादी अनंत काल के लिए सिद्धालय में विराजमान करने वाली बात है, कथा है, तत्व है, कौन पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभना। तत्काल उन्हें प्रतिज्ञा की, तम एयत वेहत्तम दाये हम अपनो सवि हवेण यदि दाये जपमाणम चुके जलम लघे तवम। मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा की बात बताऊंगा। फिर उन्हें बीच में कोई उदाहरण के कोई भूमिका के कोई शैली के कोई कुछ भी उन्होंने फॉर्मेलिटी नहीं निभाई और तुरंत उस प्रतिज्ञा का पालन किया। कौन सी प्रतिज्ञा? एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाने की जो प्रतिज्ञा की थी, तो बिना कोई लाग लपेट के, बिना कोई शैलीगत चमत्कार के सीधे उन्होंने भगवान आत्मा का वर्णन किया। किस किन शब्दों में? जो प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है, मात्र एक ज्ञायक भाव है। भाव की चर्चा भी कभी कोई प्रसंग आएगा तो करेंगे, नहीं तो लोगों ने कहा आप नेक्स्ट शिविर में फिर द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक लेना है 52वें शिविर में। नंबर तो फिक्स है, अब स्थान अभी केवली के ज्ञान में है, कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा है। तो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, प्रत्येक वस्तु में चार चीजें होती ना, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव। तो आगम की शैली में जीव का वर्णन करें तो जीव द्रव्य है, असंख्यात प्रदेशी है, त्रिकालिक रहता है,
ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव वाला है, ये आगम शैली में जीव द्रव्य का वर्णन होगा। अध्यात्म शैली में अकेले शुद्ध आत्मा का वर्णन करना हो तो द्रव्य क्षेत्र और काल को गौण किया, किसको मुख्य किया, भाव को। ज्ञायक वो द्रव्य नहीं है, क्षेत्र नहीं है, काल नहीं है, भले वो त्रिकाली है, भले वो जीव द्रव्य का स्वरूप है, लेकिन स्वयं में क्या है, ज्ञायक एक भाव है। तो आचार्य देव ने अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह करने के लिए ये छठवीं और सातवीं गाथा में, आज के हिसाब से अगर गाथाओं में नंबर आधुनिक शैली में दिए जाएं तो मैं सातवीं गाथा को 7 नंबर नहीं दूंगा, उसको छठवीं को बोलूंगा 6A और सातवीं को बोलूंगा 6B, क्योंकि वो विषय दो गाथाओं में उन्होंने वो प्रतिज्ञा पूरी की है, एक गाथा में नहीं होती। समझ में आया ना, परमत्त अपरमत्त नहीं है ऐसा कह के गुण स्थान भेदों का, संयोगों का, उसका निषेध किया। अभी जरा निषेध करने का और मतलब समझ लो, लोग समझते हैं निषेध करना माने हम उसको सर्वथा उड़ा रहे हैं, ये गुण स्थान फुण स्थान कुछ नहीं होता, आत्मा में कुछ नहीं है। अरे आत्मा में नहीं है इसका नाम निषेध है, जिसका लक्ष्य करना है, जिसका अनुभव करना है, जिसका आश्रय लेना है, जिसमें अपनापन करना है, जिसमें जमना है, जिसमें रंगना है, उसमें नहीं है गुण स्थान, लेकिन गुण स्थान में तो है। बात समझ में आई ना, तो लोग निषेध का भी बहुत गलत अर्थ समझते, पूजा पाठ का निषेध करते, पूजा पाठ का निषेध करते, अरे किसकी ताकत है निषेध करने की। अब समझ लो दादा जैसे लोग भी 82 वर्ष की उम्र में भी एक साल में 3-3 विधान लिख रहे हैं, फिर भी आप कहोगे पूजा पाठ का निषेध करते हैं तो ये उपचरित कथन नहीं है। हेलो, तो मैं ये कह रहा था कि जिस व्यक्ति को 82 वर्ष की उम्र में भी समय सार की पूजा, प्रवचन सार की पूजा, कभी मौका आएगा तो इस पर भी मैं चर्चा करूँगा, ऐसे भाव उमड़ रहे हैं और हम कहते जो उसका निषेध करते, तो भैया निषेध का मतलब क्या है? निषेध का ये अर्थ नहीं है कि वो छोड़ करके और हम विषय कसाई में ही लगे रहें, ऐसा कोई निषेध करता है? हैं, बस ये कि वो शुभ भाव मोक्ष मार्ग नहीं है। बस मोक्ष, जैसे अभी संजय जी बता रहे थे, बहुत सूक्ष्म बात थी कि स्वरूप का ध्यान करने की इच्छा भी ध्यान में बाधक है। और एक रत्नत्रय विधान पंडित आशाधर जी ने लिखा है 1000 वर्ष पहले, संस्कृत में मूल भारतीय ज्ञानपीठ से छपा है, मैंने उसका पूरा हिंदी पद्यानुवाद बनाया है रत्नत्रय विधान का। उस विधान में भी ये पंक्तियां आती हैं कि जो मोक्ष की इच्छा भी मोक्ष में बाधक है। इच्छा तो राग है, वो तो मन के निमित्त से होने वाली तरंग है एक, समझ में आया ना। तो मोक्ष मार्ग नहीं है ऐसा निषेध करना, तो वो तो वस्तु के स्वरूप के हिसाब से ही सही है ना, लेकिन निषेध करते का हल्ला उड़ा दिया, निषेध करते निषेध करते निषेध करते मानेंगे जैसे कि वो सर्वथा उसको ही बताते हो या उस। खैर इस तरह से तो ये बात अपन ने 27वीं गाथा की उठाई कि ये विषय उतना आगे क्यों गया। संजीव जी का कल हुआ था ना प्रवचन, 12 गाथा तक की बात उनने कह दी थी है। आप देखो एक और मार्मिक बात, छठवीं और सातवीं गाथा के तत्काल बाद आचार्य देव ने कौन सा विषय लिया,
कि व्यवहार के द्वारा निश्चय का प्रतिपादन किया जाता है, इसलिए व्यवहार क्या बोलते अपने आप को स्थापित करता है। लेकिन म्लेच्छ को म्लेच्छ समझाने के लिए म्लेच्छ भाषा तो बोलो, खुद म्लेच्छ नहीं बन जाओ। तो आठवीं से बारहवीं गाथा तक ध्यान से सुनना, पांच गाथाएं जो हैं वो निश्चय व्यवहार संबंधी हैं। आप समझते हैं इस बात का मतलब क्या है कि आचार्य देव ने शुद्ध आत्मा शुद्ध ने का विषय ज्ञायक भाव उसके बगल में निश्चय व्यवहार को बिठा लाए। जैसे मान लो यहां दादा बैठे और फिर बगल में एक कुर्सी लगवाएं और किसी और वरिष्ठ विद्वान को बिठा लें तो लोग क्या समझेंगे यार इनका इनकी दृष्टि में कितना महत्व है। राष्ट्रपति के बगल में कौन बैठता है? उपराष्ट्रपति। अध्यक्ष के बगल में उपाध्यक्ष। तो निश्चय व्यवहार जो तत्व नहीं है, तत्व के प्रतिपादन की शैली है। निश्चय व्यवहार क्या है? तत्व के वस्तु स्वरूप के प्रतिपादन की शैली है, कथन पद्धति है। लेकिन आचार्य देव ने छठवीं और सातवीं गाथा में ज्ञायक भाव का वर्णन करने के बाद तत्काल निश्चय व्यवहार की चर्चा चालू कर दी। जैसे समय सार पूरा हो गया और नए चक्कर चालू हो गया। और चर्चा में भी कोई निश्चय व्यवहार की परिभाषाएं लिखी हों, समझ में आया, ऐसा कुछ नहीं। भेद प्रभेद बताए हों, प्रयोग बताए हों, ऐसा नहीं है। जो जो समय सार के लिए प्रयोजनभूत है कि भैया हमने ये दर्शन ज्ञान चारित्र का जो भेद किया है वो इसलिए किया कि उसके बिना अभेद को समझाया नहीं जा सकता। तो भेद से अभेद को समझाते हैं, यानी व्यवहार से परमार्थ का प्रतिपादन करते। अरे संयोग से भी असंयोगी को बताना पड़ता है। आप बोलो घड़ा भिन्न है और घी भिन्न है, और घी का घड़ा बोले बिना आप काम चला लो तो जाने। हम भी जानते, तुम भी जानते, दुनिया जानती है कि घी घी में रहता, घड़ा घड़ा में रहता है, दोनों जुदे जुदे। सब जानते कि नहीं जानते, मानते कि नहीं मानते। और मजे की बात ये कि जिस समय बोलते हैं कि घी का घड़ा उठा के लाओ, उसी समय ये मानते हैं कि घड़ा घी का नहीं। दोनों बातें एक साथ चलती कि नहीं चलती? घी का घड़ा कह के घी का संबोधन करना, घी को बताना कि कहाँ रखा है, तो भी ये उसी काल तत्काल और बिना विकल्प किए, बिना स्पष्टीकरण दिए, अपनी अनुभूति में ये बात चलती है कि घड़ा तो मिट्टी का होता है, घी का नहीं होता। ये दोनों विरोधी बातें अपने लाइफ में है कि नहीं? लेकिन एक चीज कथन में है और एक चीज मान्यता में है, अनुभूति में। तो इस तरह व्यवहार परमार्थ में, मतलब परमार्थ प्रतिपाद्य है, व्यवहार प्रतिपादक है। फिर नौवीं दसवीं गाथा में उसका उदाहरण दिया, वो भी थोड़ा कठिन पड़ गया है, श्रुत केवली वाला। तो फिर ग्यारहवीं गाथा खड़ी हुई। यद्यपि व्यवहार से परमार्थ को बताया जाता है, लेकिन व्यवहार स्वयं परमार्थ नहीं है। ये दो तीन दिन बाद में व्यवहार में के तीन पॉइंट बताऊंगा, तीन खूबियां। आज खाली सूत्र बताए देता हूं, व्यवहार स्वयं परमार्थ नहीं है, परमार्थ का प्रतिपादक है और अन्यत्र भटकने से बचाता है। ये तीन काम करता है, इतना उपयोगी है। ख्याल में आया ना? अभी सूत्र बताया, बाकी एक दो दिन आप लोग पढ़ो, चिंतन करो, सोचो, फिर आएगा इसका नंबर। और बारहवीं गाथा में कहा कि देखो भाई, भले व्यवहार अभूतार्थ हो, लेकिन किस भूमिका में कैसा व्यवहार होता है ये जाना हुआ प्रयोजनवान। तो ये पांच गाथाएं आचार्य देव ने नए शैली को, नए चक्र को समर्पित की। फिर तेरहवीं गाथा में समझ लो जीव तत्व का वर्णन, वो नौ तत्वों में भूतार्थ से एक ज्ञायक भाव को देखना, फिर वो ज्ञायक भाव को पांच बोलों से समझाया। फिर अनेक समय विषय इस तरह से आगे बढ़ा। अठारहवीं सत्री अठारहवीं गाथा में तो उदाहरण से उन्होंने बात पूरी की। मुझे 27 नंबर तक आना है, ख्याल में आया?
तो जैसे वो धनवान की सेवा करता है, धन का अर्थी राजा की सेवा करता है, ऐसे हे मोक्षार्थी तुम भगवान आत्मा को जानो, जीव राजा को जानो। ये बात समझ लो, एक राउंड वास्तव में देखा जाए, एक पारी जैसे क्रिकेट में पारी होती ना, एक पारी वहां पूरी हो गई। फिर 19वीं गाथा से चालू हुआ कि जब तक ये जीव अपने आत्मा को नहीं जानता, ये कर्म मेरा है, ये नौकर्म मेरा है, ये फलाना मेरा है, ये मान्यता अज्ञान है। तो 19, 20, 21 इन गाथाओं में उन्होंने अज्ञानी का स्वरूप बताया। तो वो जो बहस चल रही थी शिष्य की और गुरु की, वो अज्ञानी का स्वरूप बता रहे थे, उसमें शिष्य ने ये प्रश्न किया कि आप कहते हो कि शरीर जड़ है, पुद्गल है, आत्मा चैतन्य है, भिन्न है उससे, हमें ये बात समझ में नहीं आती। यदि जीव और शरीर जुदे जुदे हैं तो आप जो भगवान की स्तुतियां लिखते हो उसमें शरीर का वर्णन क्यों करते हो? समझ में आया ना? ये प्रश्न तो यहीं से उठाया है ना, ये 26वीं गाथा के पहले हैं कि यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तवम, शांत रस वाले परमाणुओं से जो आपका शरीर बना, शरीर का स्तवन, माता की धन्य है वो माता जिसने आप जैसे पुत्र को जन्म दिया। वे और दूसरी स्थितियों में छवि वीत रागी नग्न मुद्रा, वो शरीर की होती कि आत्मा की होती है? दृष्टि नाशा नाशाग्र दृष्टि किसकी होती? तो वर्णन तो करते हो शरीर का और कहते हो गए हम भगवान की स्तुति कर रहे हैं और शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है। तो ये शंका का समाधान में ये गाथा आई, ये जो इसमें लिखी है, कौन सा नंबर का पेज है मेरे इसमें? 41 नंबर का, आपके इसमें 26 है, हैं? 27, वाह 27वीं गाथा 27वां पेज। तो उन्होंने कहा देखो भाई, बहुत सुंदर जवाब दिया है, न एवं, जैसा आप कह रहे हो वैसा नहीं है, क्या गड़बड़ हो गई? नए विभागान विज्ञोसी, तुम नए विभाग को नहीं जानते। अब ये गाथा का जन्म हुआ है कि व्यवहार ने पढ़ो, अच्छा मैं बोलता हूं आप रिपीट करना, आप सरलता से रिपीट कर सकोगे। व्यवहार नो भासदी जीवो देहो या हवदी खलु एको, नदुनिच्छयस्य जीवो देहो यकदाविये कठो। तो कभी कभी हम लोग ऐसा भी प्रयोग करते हैं तो वो प्राकृत को ही हिंदी में कन्वर्ट करते, और उस वैसे एक भावानुवाद करना उसी बात को लेकर के वो जुदी चीज है, लेकिन गाथा कोई इसमें से उठा के प्राकृत में से उठा के हिंदी में धर देना। व्यवहार नए कहता है जीव और देह एक होते हैं, पर निश्चय कहता है वे कभी एक नहीं हो सकते। समझ में आया ना? तो ये दो वस्तुओं को मिला के कहने की एक शैली है, और सातवीं गाथा में एक वस्तु में भेद करके के कहने की शैली। दोनों शैलियां यद्यपि व्यवहार नियम के अंतर्गत आ जाती हैं, लेकिन दोनों में इतना फर्क तो है कि आत्मा में जो ज्ञान दर्शन चारित्र के भेद बताए तो वे भेद हैं ही नहीं, और कह दिए वो मुसलमान चाचा जैसे वैसे नहीं है, वो तो हैं उसमें, ले आप अखंड हैं, अभेद हैं, अपन निकाल के अलग अलग नहीं कर सकते। मिश्री में से उसकी मिठास अलग रख ले, सफेदी अलग रख ले, है उसका आकार अलग रख ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। ज्ञान में जान सकते हैं लेकिन वस्तु में तो अलग नहीं कर सकते, तो वे गुण उसमें हैं तो भेद करके कहे गए, तो उसको नाम दिया सद्भूत व्यवहार। और यहां तो वहां भेदों को गुणों को अलग नहीं कर सकते, सुनना ध्यान से, यहां मामला उल्टा है, यहां देह और आत्मा को एक नहीं कर सकते।
क्या बोला? वहां जो अखंड अभेद गुण है उन्हें अलग अलग कर नहीं सकते, जान सकते हैं। यहां देह और आत्मा को एक कर नहीं सकते, कह सकते और उस एंगल से जान सकते। तो ये समय सार की 27वीं गाथा के आधार से समझ लो, यहां दादा ने ये व्यवहार ने का एक पक्ष रखा, उपचरित सद्भूत वेला वाला। देखो इस गाथा के नीचे जो लिखा है, यहां ये बात ध्यान देने योग्य है कि व्यवहार मात्र एक अखंड वस्तु में भेद ही नहीं करता, मतलब अभेद में भेद करना इतने ही व्यवहार हो गए ऐसा नहीं है, वो और एक कदम आगे भी बढ़ जाता है, ये तो है ही पर इससे आगे भी, अपितु दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में अभेद भी स्थापित करता है। इसी प्रकार निश्चय मात्र एक अखंड वस्तु में भेदों का निषेध कर अखंडता की ही स्थापना नहीं करता, अपितु दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में व्यवहार द्वारा प्रयोजन बस स्थापित एकता का खंडन भी करता है। देखो प्रयोजन बस, प्रयोजन की बात आई ना, पंचाध्यायी में निश्चय ने का एक ही लक्षण बताया कि जो व्यवहार ने कहे निश्चय कहेगा न तथा, ऐसा नहीं है। ये जैसे घर के बड़े बूढ़े दादाजी होते हैं ना, उनसे कोई भी बात कहो कि ये कर ले मैं, नहीं ऐसा कर क्या जरूरत है, है? अगर हम लोग शेखर जी जा रहे थे अभी क्या जरूरत है, अरे जरूरत कोई किसी के कहने से होती क्या, कि अपने राग से होती। बच्चे कहेंगे हम सिनेमा देखने जा रहे हैं, काय को फालतू जा रहे, क्या जरूरत है, अरे यार तो जरूरत है, अब जरूरत को कैसे समझाया जाए। तो कई लोगों की आदत होती है जो प्रपोजल लेके जाओ वो मना ही करते, तो निश्चय ने भी इसी टाइप के हैं कि व्यवहार में जो कहे तो कहे ऐसा नहीं है। मैंने कहा आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र है, कहते नहीं तुम तो एक चैतन्य को देखो, ज्ञान दर्शन चारित्र को सब को पी बैठा है। मैंने कहा आत्मा मनुष्य है, तो कहते नहीं। तो निश्चय ने का काम व्यवहार ने का निषेध करना। इसलिए अपन जो नेक्स्ट स्टेप लेंगे वो कल में देख के वो पेज नंबर आप लोग भी देखना कि व्यवहार और निश्चय में या निश्चय और व्यवहार में प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध है। निश्चय प्रतिपाद्य है, व्यवहार प्रतिपादक है, ख्याल में आया? और व्यवहार और निश्चय में निषेध निषेधक संबंध है। व्यवहार ने का निषेध किया जाता है निश्चय ने के द्वारा, तो निश्चय ने हो जाता है निषेधक और व्यवहार ने हो जाता है निषेध। इस प्रकरण को अपन इसमें से उठाएंगे और इसकी चर्चा करेंगे। अभी आगे भी यहाँ बालबोध की कक्षा चलनी है, इसलिए मैं अभी यही विराम लेता हूँ।